पब्लिक टीवी आपकी आवाज। कांग्रेस नेता कमलनाथ के बयान पर मुरादाबाद के सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, हम भी ये चाहते हैं कि सब लोग साथ मिलकर चुनाव लड़ें। जो हालात हैं इसको देखते हुए तमाम पार्टियां साथ में चुनाव लड़ें तो अच्छा है, क्योंकि सभी पार्टियों का वोट 64% है और बीजेपी का 34% है। जो 64 और 66% वोट है ये बटना नहीं चाहिए। हम एक होकर चुनाव लड़ें, लेकिन हर एक पार्टी का नेता अलग है। हम समाजवादी के लोग हैं जो मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। मुलायम सिंह अब हमारे बीच नहीं है तो हमारे नेता अखिलेश यादव हैं। चुनाव हो जाने के बाद जिसके जितने एमपी होंगे उसके बाद तय होगा कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है। देखिए, उन्होंने ये कहा है कि सब साथ मिलकर चुनाव लड़ें। हम भी ये चाहते हैं कि सब लोग साथ मिलकर चुनाव लड़ें, क्योंकि जो हालात हैं ये समाजवादी पार्टी और तमाम पार्टियां अगर मिलकर चुनाव लड़ेंगी तो सारी पार्टियों का वोट 64% है और बीजेपी का 34% है। तो हमारा ये कहना है कि ये जो 64 या 66% जो वोट है ये बटना नहीं चाहिए, एक होकर चुनाव लड़ें। लेकिन हर पार्टी का नेता अलग है। हम समाजवादी लोग हैं, हम मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हमेशा चुनाव लड़ा है। मुलायम सिंह जी अब दुनिया में नहीं है तो अखिलेश यादव जी हमारा नेतृत्व करेंगे और उनके ही नेतृत्व में समाजवादी लोग चुनाव लड़ेंगे। अब चुनाव के बाद किसके कितने एमपी होते हैं ये जब तय होगा कि प्रधानमंत्री कौन होगा, ये तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, हम हर मुमकिन कोशिश ये करेंगे कि सारा विपक्ष एक होकर इन लोगों को जिन्होंने देश को लूटने का काम किया, जुमलेबाजियाँ करी हैं, जिन्होंने सियासत ना विकास पे करी, ना रोजगार पे करी, ना महंगाई पे करी, ना किसान पे करी, ना महिलाओं पे करी, ना मरीज पर करी, इन लोगों को देश से हटना बहुत ज़रूरी है ताकि देश आगे बढ़े और 21वीं सदी में दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ता। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।